जी हाँ दोस्तों, भारत के सुपर एथलीट और फ्लाइंग सिक्का दर्जा पा चुके मिल्खा सिंह की 91 साल की आयु में निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से। आपको बता दें दोस्तों कि अब मिल्खा सिंह के परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। मिल्खा सिंह ने दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन जब उनके जीवन पर बनी फिल्म रिलीज हुई तो जो लोग ने मिल्खा सिंह को करीब से जाना वो सबसे ज़्यादा दोस्तों पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक बन गए। क्योंकि मिल्खा सिंह के दोस्तों अगर आपने फिल्म देखी होगी तो किसी मोटिवेशन से कम नहीं। मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग साल 2013 में आई थी। साथ ही साथ अपने इस वीडियो में दोस्तों उनकी संपत्ति को लेकर भी खुलासा करेंगे, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि जब साल 2013 में इनकी फिल्म आई थी तब मिल्खा सिंह की उम्र 84 साल हो चुकी थी। संयोग की बात यह है कि जब मिल्खा सिंह ने पहली बार किसी ब्रांड का विज्ञापन किया तब भी उनकी उम्र 84 साल ही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बायोपिक के लिए मिल्खा सिंह ने कोई फीस नहीं ली थी, सिर्फ 1 रुपये करीब बताया जाता है दोस्तों। लेकिन 84 साल में इनको पहला ब्रांड क्यों मिला? क्योंकि ये पहले ही कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे, लेकिन 84 साल में क्यों? क्योंकि दोस्तों जब इनकी फिल्म चर्चाओं में आई और ये चर्चाओं में आए तो इनको ब्रांड एंडोर्समेंट मिलने लगे। मिल्खा सिंह के यूँ तो कई ऐसे किस्से हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। मिल्खा सिंह जो हमेशा दुनिया के लोगों को हेल्दी रहने की सलाह देते हैं। क्या आपको बता दें दोस्तों कि उन्होंने अपना पहला ब्रांड एंडोर्समेंट की झंडू केसरी जीवन के लिए किया था। इस ब्रांड के लिए जरिए मिल्खा सिंह पहली बार किसी विज्ञापन में टीवी पर लोगों को दिखे थे। जब उन्होंने ये विज्ञापन किया तो वो 84 साल के हो चुके थे। लेकिन वहीं मिल्खा सिंह के संपत्ति की बात करें तो मिल्खा सिंह अपने पीछे करीब 18 करोड़ की दौलत छोड़ गए हैं दोस्तों। सेलिब्रिटीज़ की नेटवर्थ बताने वाली पोर्टल नेटवर्थ देखो .com के मुताबिक साल 2012 तक मिल्खा सिंह के नेटवर्थ करीब $2.5 मिलियन करीब 18 करोड़ 53 लाख रुपए थी। वहीं मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग की आधी कमाई मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई थी। यूँ तो एक एथलीट के तौर पर मिल्खा सिंह के बारे में आप लोग कई बातें जानते होंगे, लेकिन खेल के अलावा मिल्खा सिंह का 1 रुपये का भी इंटरेस्ट नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह को पैसों में नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में, भारत देश का नाम रोशन करने में इंटरेस्ट था। अब मिल्खा सिंह दोस्तों किस प्रकार के, किस श्रेणी के एक स्पोर्ट्समैन थे, ये तो उनके निधन के बाद पूरी दुनिया ने देख लिया कि लोगों ने कितना प्यार जताया। मिल्खा सिंह की फिल्म और मिल्खा सिंह हमेशा दोस्तों एक यादों को ताज़ा करने के लिए एक जरिया बनेंगे। मोटिवेशन का दोस्तों पूरा केंद्र है मिल्खा सिंह की फिल्म। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।